हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम आपके लाए हैं मशरूम मटर की ग्रेवी वाली रेसिपी, जो कि आप रेस्टोरेंट में जनरली खाते हैं, पर इसको घर पे भी बहुत ही स्वादिष्ट तरीके से आप बना सकते हैं। बहुत ही हेल्दी होने वाली है, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, एक बार इसको बनाइएगा ज़रूर। एक बार मैं फिर आपसे कहना चाहती हूँ कि मेरा नया चैनल है, सपोर्ट आप लोगों की बहुत ज़्यादा चाहिए, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि मैं आपके पास हर दिन नई वीडियोस बहुत अच्छे से पहुँचाती रहूँ। आइए फिर रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक पैकेट यहाँ पे मशरूम का लिया है और मशरूम को अच्छे से वॉश कर लिया है, और मैं इसको थोड़ा सा ऊपर से स्क्रब कर लेती हूँ। जहाँ भी इसमें आपको लगता है डर्ट या इम्प्योरिटीज़ है, उसको अच्छे से स्क्रब कर लेते हैं, और उसको दोबारा से बाद में कट करने के बाद वॉश कर सकते हैं, या फिर आप इसको क्लीन करने के बाद में वॉश कर सकते हैं। पर मैं यहाँ पे इसको कट करने के बाद ही वॉश करूँगी, क्योंकि इसमें अभी कहीं से भी कोई भी डर्ट पार्टिकल होगा तो वो रिमूव हो जाएगा। और आपके पास अगर बहुत अच्छी क्वालिटी की मशरूम मिल जाती है जो एकदम क्लीन है, तो आप इसको बिना वॉश करे भी बना सकते हैं बाद में, मतलब फर्स्ट तो आपको वॉश करना ही करना है। बस इस तरह से इसको आप इस तरह से पीसेस में कट कर लीजिए, और इसके बाद में आपको एक लेना है बर्तन, जिसमें आपको इसको ट्रांसफ़र कर देना है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे डर्ट इम्प्योरिटीज़ होती हैं, क्योंकि इसको उगाया जैसा जाता है, वो प्रोसेस आपको देखना होगा, तो यूट्यूब पे आप चेक करिएगा, तो वो मुझे थोड़ी सी हाइजीनिक नहीं लगती है, इसीलिए मैं इसको सलाइन वाटर में थोड़ी देर के लिए स्टीम करूँगी। थोड़ा सा मैं हल्दी भी डाल दूँगी, ताकि जो भी इसमें बैक्टीरियाज़ वगैरह हो वो रिमूव हो जाए। इसको मैं फिर से दोबारा से दो तीन बार वॉश कर लेती हूँ। कुछ इस तरह से देखिए, इसमें इम्प्योरिटीज़ है, मैंने निकाल दिया है इसको यहाँ पे। अब इसको वॉश करने के बाद में हमने अच्छे से एक दो बार फिर से देख सकते हैं, आप वॉश कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको स्टीम करने के लिए पैन में रख दीजिए। यहाँ पे साथ साथ मेरे बच्चे को भी यहाँ पे बहुत क्रेज़ हो रहा था क्या बन रहा है, तो वो हर बार वो इसको खींच रहा है यहाँ पे। उसको नई कोई भी चीज़ बनती है, उसको बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है कि पता नहीं क्या है, तो वो इसको लेके जा रहा था। अब हमने इसको पैन में ट्रांसफ़र कर दिया है। इसमें करीबन आधा चम्मच या फिर आप एक 1 टीस्पून अराउंड सॉल्ट ऐड कर देंगे, और थोड़ा सा टर्मरिक ऐड कर सकते हैं आप, ऑप्शनली टर्मरिक, आप नहीं चाहें तो नहीं भी ऐड करेंगे। इन सबको अच्छे से आप एक बार मिक्स कर सकते हैं। इसको बॉईल करने के लिए मैंने रख दिया है हल्की आंच पे। यहाँ पे मैंने 4 प्याज ली है इस नॉर्मल साइज़ की, तो इन सबको मैं चॉप कर लेती हूँ। आपको इसको बारीक चॉप करना है, आप अगर ऑप्शन है आपके पास, आप चाहें तो इसको दरदरा पीस भी सकते हैं, बट यहाँ पे मैं बारीक चॉप कर रही हूँ, क्योंकि ये हर ग्रेवी पर जनरली सेम हो जाती है, इसीलिए यहाँ पे हम इसको बारीक चॉप करके आज बनाने वाले हैं। बहुत अच्छी रेसिपी बनने वाली है, बहुत टेस्टी रेसिपी होने वाली है। इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। आप चाहें तो थोड़ा यहाँ पे 2 इंच के करीब अदरक का टुकड़ा भी बारीक चॉप कर सकते हैं, 5 से 6 लहसुन की कलियों को भी बारीक चॉप कर सकते हैं। मैंने आज लहसुन और अदरक इसमें स्किप किया है। यहाँ पे प्याज हमारी रेडी हो गई है, इसको मैं अभी वॉश करूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें काफ़ी सारा स्टार्च होता है, कार्ब्स होते हैं, इसलिए मैं इसको एक बार कट करने के बाद में वॉश कर लेती हूँ, तो एकदम वाइटिश सा वाटर निकल के आता है इससे, तो मैं बेहतर समझती हूँ उसको कट करने के बाद में वॉश करना, क्योंकि एज एन कोई न्यूट्रिएंट आपके यहाँ से जा नहीं रहा है। यहाँ पर टमाटर को मैंने चॉप कर लिया अच्छे से, इस तरह से बारीक पीसेस में। इसको भी अगेन आप चाहें तो इसको दरदरा पीस सकते हैं, बट मैं यहाँ पे चॉप करके ही आज बनाने वाली हूँ। मशरूम हमारे बॉईल हो गए हैं, बहुत मैंने इसको प्रॉपरली मतलब कुक नहीं किया है, इसको हाफ बॉईल करना है आपको। इसको स्ट्रेन कर लीजिए पानी की हेल्प से, और स्ट्रेन करने के बाद में देखिए मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें मेरी रेडी हो गई हैं। मिर्च ऑप्शनल है, आप चाहें तो हरी मिर्च डाल सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं। पैन लिया है मैंने यहाँ पे, इसमें ऑयल को हीट कर लिया है। अच्छे से ऑयल हीट हो जाएगा तो कुछ खड़े मसाले लेने हैं आपको,
जिसमें कि आपको लेना है एक इलायची, थोड़ा सा ज़ीरा, ब्लैक पेपर मतलब कि काली मिर्च, दालचीनी का टुकड़ा ले सकते हैं आप, और ले सकते हैं तेज़पत्ता। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे डाल दिया है कसूरी मेथी। इन सबको अच्छे से हम थोड़ा सा देर के लिए भून लेंगे। एकदम से लग जाता है इसलिए मैंने इसको साइड रखा था। अब मैं इसको चला देती हूँ, अच्छे से ऑयल हीट हो गया है। अगर आपने यहाँ पे लहसुन और अदरक चॉप किया है तो आप इसमें लहसुन और अदरक को पहले भून लेंगे। अब यहाँ पे आप चॉप की हुई प्याज को ऐड कर देंगे, जो कि हमने बहुत बारीक चॉप किया था। इसको भी कुछ देर तक के लिए आपको अच्छे से भून लेना है। हल्का सा आप चाहें तो सॉल्ट ऐड कर सकते हैं इसमें, ताकि ये जल्दी से पक जाए। बीच बीच में इसको चलाते रहना है। एक बार फिर से मैं याद दिला देती हूँ आपको, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ मेरी रेसिपीज़ को शेयर कीजिए। मैं हमेशा ट्राई करती हूँ आपके साथ रेसिपी को और हेल्दी वे में आपके साथ प्रेजेंट कर पाऊँ, ताकि आप इसको बनाएं और आपकी हेल्थ को भी कोई नुकसान ना हो, आप हेल्दी रेसिपीज़ का आनंद ले पाएँ। मेरे चैनल का पर्पस यही है, तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कीजिए, मेरी हेल्प कीजिए। यहाँ पे मैंने हरी मिर्ची भी इसमें ऐड कर दी है, जो कि मैंने स्लिट करके यहाँ पे दो पीसेस में ऐड किए, क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी बच्चे को भी अच्छा लगता है कुछ, अगर घर में बच्चे हैं अगर आपके, तो आप मिर्ची को यहाँ से इस तरह से डालते हैं तो इसको निकाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा तीखा उनको नहीं देना चाहिए। इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ ये चिली डाली है, और मैं बाकी जो मिर्ची डालूँगी बहुत कम अमाउंट में ही इसमें ऐड करने वाली हूँ। इसमें जो हमने बारीक चॉप किए हुए टमाटोज थे वो भी हमने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं, और इसको भी मैं नमक डालकर, अगर अभी तक आपने नहीं डाला है तो इसको अच्छे से पकने के लिए कवर करके छोड़ दीजिए करीबन 5 से 6 मिनट के लिए, धीमी आंच या तेज़ आंच जैसे भी आपको पकाना है, इसको अच्छे से पकाने के लिए छोड़ दीजिए। अभी तक आपने रेसिपीज़ अगर मेरे चैनल पे चेक नहीं किए ना, तो बहुत ही हेल्दी रेसिपीज़ मैं आपके लिए शेयर कर चुकी हूँ, जैसे कि स्प्राउट्स की बहुत सारी रेसिपी हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, तो एक बार सबको देखिएगा, सबके हेल्थ बेनिफिट्स मैंने बताए हैं, किसको कौन से डिसीज़ में क्या प्रिकॉशन रखना है उस रेसिपी के साथ, वो सब मैंने बताया हुआ है। आई थिंक इतनी डिटेल रेसिपी मैं आपको देने का ट्राई करती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग भी मुझे सपोर्ट कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने में हेल्प कीजिए, ताकि मैं मोटिवेट हो पाऊँ आपको अच्छी अच्छी रेसिपीज़ डेली शेयर करने के लिए। बहुत टाइम ऐसा होता है हम इतनी अच्छी रेसिपीज़ आपके लिए लेके आते हैं, उतने अच्छे से आपको प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, और अब प्रमोट नहीं करवाते हो साथ साथ आप, तो हमारा मोरल डाउन हो जाता है, फिर अगले दिन शेयर करने का मन भी नहीं करता है। यहाँ पे मैं करीबन 1 चम्मच के करीब हल्दी ऐड कर देती हूँ, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून के अराउंड धनिया पाउडर, गरम मसाला आप चाहे तो इस स्टेज पे आप ऐड कर सकते हैं। इन सबको मिक्स कर दीजिए, आप चाहे तो इसको स्टीम में पका सकते हैं कवर करके, या फिर आप करीबन इसमें 1 बोल के अराउंड पानी ऐड कर दीजिए और इसको पकने के लिए कवर करके छोड़ दीजिए 5 से 6 मिनट। अगेन जितनी ज़्यादा स्लो कुकिंग आप करेंगे उतना ज़्यादा टेस्ट निकल कर आता है रेसिपी में, तो ये ध्यान रखिएगा इस बात का। हर पेशा हम कोई रेसिपी अगर बनाते हैं उसका टेस्ट इतना उम्दा नहीं आता है, इसीलिए आपको इसको अच्छी तरह से कुक करने के लिए थोड़ा टाइम लेना है। यहाँ पे मटर हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, जो 1 स्मॉल बोल मैंने मटर लिया है, जो फ्रेश मटर है, फ्रोज़न मटर नहीं है ये, इसलिए इसको पकने में समय नहीं लगेगा। अगर फ्रोज़न मटर आप ले रहे हैं तो आप फ्राई कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑयल नहीं ऐड करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं इसको फ्राई नहीं कर रही हूँ, इसी के साथ पकने के लिए मैंने इसको यहाँ पर छोड़ दिया है। लगभग मैंने 2 से 3 मिनट बाद इसको चेक किया है,
काफ़ी हद तक इसका मॉइस्चर कम हो चुका है, तो चलाती रहूँगी मैं बीच बीच इसको पकने के लिए, फिर से मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ। आपको ध्यान रखना स्टर बीच बीच में करते रहना ताकि आपकी सब्ज़ी लगे नहीं। ऑलमोस्ट ये हो चुका है। अब मैं यहाँ पे जो हमने स्टीम किया हुआ हमारे पास मशरूम था, आप चाहें तो थिक स्लाइसेस के बना के आप ऐड कर सकते थे, मैंने थोड़े थिन लिए हैं, इसको मैंने ऐड कर दिया है यहाँ पे। अब मैं अगेन थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करके लगभग 1 से 2 बोल के अराउंड में पानी इसमें ऐड कर दूंगी, जितना आपको कंसिस्टेंसी चाहिए ना राइस के साथ या चपाती के साथ, जैसे भी आप बना रहे हैं उतना इसमें वाटर आप ऐड करेंगे। ये हाफ बॉइल तो है इसलिए आपको सिर्फ इसमें 1 या 2 बॉइल की ज़रूरत पड़ेगी और इसके बाद में आपकी रेसिपी एकदम तैयार है। सॉल्ट आपने अभी तक अगर और नहीं डाला है टेस्ट के अकॉर्डिंग, अब इसमें सॉल्ट ऐड कर दीजिए, गरम मसाला थोड़ा सा ऐड कर दीजिए और धनिए की पत्तियों को तैयार रखिए इसको गार्निश करने के लिए, क्योंकि रेसिपी एकदम तैयार होने वाली है। इसको मैं लगभग 1 से 2 बॉइल के लिए पकने के लिए अब छोड़ दूँगी। यहाँ पे गरम मसाला आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनती है, मैं इसको जनरली बनाती रहती हूँ और आप रेस्टोरेंट में जाके जनरली खाते हैं तो मशरूम का बहुत ज़्यादा मैं रेस्टोरेंट में नहीं प्रेफर करती हूँ लेना, क्योंकि पता नहीं हाइजीन कैसे मेंटेन किया और कैसे चॉप कर दिया है। जनरली सारी वेजिटेबल्स के साथ यही होता है, इसलिए मैं आपके पास हर एक रेसिपी को रेस्टोरेंट स्टाइल से आपके पास लेके आ रही हूँ, तो ताकि आप घर पे इसको बनाएं, इन्जॉय करें, आपके बच्चे भी इसको खाएं और आपकी हेल्थ भी अच्छी रहे, आपको कोई नुकसान भी ना हो। तो कुछ इस तरह से हमारे यहाँ पे रेसिपी बनकर तैयार होने वाली है। एक बॉइल यहाँ पे आ गया है, इसमें धनिया पत्ती को आप चॉप करके ऐड कर दीजिए। यहाँ पे मैं सीज़र की हेल्प से इसको चॉप कर रही हूँ, सीज़र ये मेरी किचन सीज़र ही है इसलिए मैं इसको यूज़ करती हूँ। कुछ लोग इसकी जो होता है ना स्टिक होती है वो निकाल देते हैं धनिया की, आप चाहे तो निकाल सकते हैं, आप सिर्फ पत्ती पत्ती का यूज़ कर सकते हैं। बस रेसिपी एकदम तैयार है, गर्मा गर्म पराठे के साथ, चपाती के साथ या फिर राइस के साथ इसको इंजॉय करें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत ज़्यादा आज इमोशनल मोड में हूँ मैं इसको लेकर, तो प्लीज़ मेरी सपोर्ट करिए, चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, रेसिपीज़ को शेयर कीजिए, प्लीज़ हेल्प कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। हम आपके पास नई से नई रेसिपीज़ लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं और आपको नया टेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, चैनल को ज़रूर प्रमोट कीजिए, मेरी वीडियोज़ को शेयर कीजिए, सारी वीडियोज़ को देखिए, ताकि मैं आपके पास नई नई रेसिपी डेली लेके आती रहूं। मिलते हैं एक और नई नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए इस रेसिपी को एंजॉय कीजिए, बाय बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़।